नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। R9 भारत पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि आ रही है फरुखाबाद से। आपको बता दें, वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल में उमड़ी भीड़, बगैर मास्क बगैर दूरी के लोग लाइन में लगे। स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, स्वास्थ्य विभाग COVID-19 का नहीं करा पा रही है पालन। भीड़ को देखते हुए हर पुलिस व्यवस्था के लिए कई बार किया गया फोन, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। आपको बता दें, फरुखाबाद के सिविल अस्पताल डिजीगंज का मामला है। R9 भारत पर इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जो कि आ रही है बुलंदशहर से। आपको बता दें, बुलंदशहर में डीएम रविंद्र कुमार ने किया जल आपूर्ति विभाग का औचक निरीक्षण। डीएम के औचक निरीक्षण में खुली अधिकारियों के समय से दफ्तर नहीं पहुंचने की पोल। 10:40 पर दफ्तर नहीं पहुंचे डीएसओ समेत अन्य कर्मचारी। अनुपस्थित मिले डीएसओ अभय सिंह समेत पूर्ति लिपिक राजवीर सिंह, योगेंद्र समेत अन्य का एक दिन का वेतन काटने का डीएम ने निर्देश दिया है। अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के लिए भी डीएम निर्देश दिए हैं। R9 भारत के लिए सुजीत शर्मा की रिपोर्ट, बुलंदशहर। आज जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग अलग स्थानों पर जुलूस निकाला और शहर के विलोबी मैदान में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में जिसकी शुरुआत हुई थी, उसको आज 80 बरस पूरे हो चुके हैं, जिसके दौरान जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह देश में अंग्रेजों ने अत्याचार किया था, उसी तरह देश में बीजेपी सरकार वरदानिया हुकूमत लाने का काम कर रही है। आने वाले आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही नहीं बल्कि सपा और बसपा को भी प्रदेश से खदेड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे, महिला सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी, शहर अध्यक्ष सिद्धार्थ त्रिवेदी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर, किस मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे 2022 में, और आज आप लोग क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है, जो चलाया गया था 1942 में, उसकी आज 80वीं वर्षगांठ है। इस आंदोलन में जिस हिसाब से अंग्रेजों ने अत्याचार किया था, जिस हिसाब से अंग्रेजों ने हमारी जनता को प्रताड़ना दी थी, उस तरीके से देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वही बरतानिया हुकूमत की तरीके से बिहेव कर रही है। 2022 भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी की सारी असलियत खोल देगी। ये सब पार्टियां एक हैं, ये सब किसानों का खून चूस रही हैं, किसानों के लिए, उनके प्रताड़ना के लिए किसान कानून लाती हैं, ये महिलाओं की सुरक्षा में विफल हैं। महिला होते हुए भी, बहन मायावती हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे अखिलेश यादव जी की डिंपल यादव जी हो, वो लखीमपुर खीरी में अपने ही लोगों से मिलने नहीं आती हैं, और जब प्रियंका गांधी आती हैं तो कहते हैं पर्यटन करने आई हैं, आई और पर्यटन करके चली जाएं। इनको प्रियंका गांधी जी से तकलीफ है, क्योंकि वही इनका तख्ता पलट करने जा रही हैं। हम किसानों के हक में, जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए रोजगार के लिए लड़ेंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे, हम विकास के लिए लड़ेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण लखीमपुर खीरी में हम स्वास्थ्य के लिए लड़ेंगे। R9 भारत के लिए अशोक शुक्ला की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा स्थित ग्राम मवई बुजुर्ग का है, जहां पर गांव के ही दबंग महिला व उसके परिवार द्वारा रास्ता बंद कर देने से ग्रामवासी निकल नहीं पा रहे हैं। जनपद में लगातार हो रही बारिश की वजह से गांव में रास्तों पर कीचड़ों का पानी बह रहा है। जो निकलने लायक बचे हुए रास्ते हैं, उनको भी गांव के दबंग द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। वह रास्ता बंद कर अवैध निर्माण करा रहे हैं, मना करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इसी बात से परेशान होकर आज हम सभी ग्रामवासी सहित डीएम साहब के कार्यालय आकर दबंग के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हुए ग्रामवासियों का रास्ता मुक्त कराने का ज्ञापन देने आए हुए हैं। भैया सुनील कुमार, कहाँ से आए हैं? मवई बुजुर्ग। क्या समस्या लेके आए आज यहाँ? समस्या है रास्ते की, रास्ता आज बन नहीं रही, बारिश से तो पानी होता है, बहुत कीचड़ होता है उधर। हम उनसे बोलते हैं तो हमसे लड़ते हैं, झगड़ते भी हैं, गाली भी देते हैं। कौन लोग हैं? वो हमारी बिरादर है, वर्मा है, वो भी वर्मा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम इंद्रानी है, और उनका उसका भाई एक वकील भी है, उसके लगाया हुआ है, उसके लगा के वो पूरी जमीन कब्जा कर रहा है। सब ग्राम समाज की जितनी जमीन है सब कब्जा रहा है, रास्ते में झाकड़ गाड़ दे रहा है। आज यहाँ पे आए हैं, किस मुलाकात हुई है? मुलाकात कुछ नहीं हुई है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी रास्ते खोली जाए और आर सी सी बढ़ी जाए। ठीक। क्या नाम सर? कहाँ से आए हैं? मोहन। क्या समस्या को लेकर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ? ये समस्या हमारी की गड्ढे को ठिकानती है, और
कहाँ पे गड्ढे करते हैं? घर के यहाँ बगल में रास्ते में और झांकरगाड़ के यहाँ, और हम निकल नहीं पाते लोगों को। कितने लोग उस सड़क से निकला करते हैं? बहुत निकलते हैं वहाँ से, तो कोई आता नहीं है। जिसकी ज़रूरत है वहाँ आता आदमी, हमारी ज़रूरत है तो और आदमी की ज़रूरत है। क्या और किसी की क्या झांकर वगैरह गाड़ने से निकलती है? R9 भारत के लिए रूपा की रिपोर्ट, बांदा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।